नमस्कार। अमजद खान का जन्म 1943 में विभाजन से पूर्व लाहौर में हुआ था। वह भारतीय फिल्मों में जाने माने अभिनेता जयंत के पुत्र थे। अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म शोले थी और यह फिल्म अमजद को शत्रुघ्न सिन्हा के कारण मिली थी। वास्तव में शोले के गब्बर सिंह की भूमिका पहले शत्रु को ही दी गई थी, परंतु समय अभाव के कारण इनकार कर दिया तो यह भूमिका अमजद खान को मिल गई। अमजद अपनी सफलता और अभिनेता के करियर को इतनी ऊंचाई देने का श्रेय पिता जयंत को देते हैं। पिता को गुरु का दर्जा देते हुए उन्होंने कहा था कि रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट अपने छात्रों को जितना सिखाती है उससे ज़्यादा उन्होंने अपने पिता से सीखा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में यदि उन्होंने प्रवेश लिया होता तो भी इतनी शिक्षा नहीं मिल पाती। उनके पिता उन्हें आखिरी समय तक अभिनय के मंत्र बताते रहे। पर्दे पर खलनायकी के तेवर दिखाने वाले अमजद निजी जीवन में बेहद दरिया दिल और शांतिप्रिय इंसान थे। अमिताभ बच्चन ने साक्षात्कार में बताया था कि अमजद बहुत दयालु इंसान थे, हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते थे। यदि फिल्म निर्माता के पास पैसे की कमी देखते तो उसकी मदद कर देते या फिर अपनी पारिश्रमिक नहीं लेते थे। उन्हें नए नए चुटकुले बनाकर सुनाने का बेहद शौक था। अमिताभ को भी अक्सर फ़ोन कर लतीफे सुनाया करते थे। एक कार दुर्घटना में अमजद बुरी तरह घायल हो गए। एक फिल्म की शूटिंग किसी जिले में वे लोकेशन पर जा रहे थे। अमजद खान तेजी से ठीक होने लगे, लेकिन डॉक्टरों की बताई दवा के सेवन से उनका वजन और मोटापा इतनी तेजी से बढ़ा कि वे चलने फिरने और अभिनय करने में कठिनाई महसूस करने लगे। वैसे अमजद मोटापे की वजह खुद को मानते थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया था कि फिल्म शोले की रिलीज के पहले उन्होंने अल्लाह से कहा था कि यदि फिल्म सुपरहिट होती है तो वे फिल्मों में काम करना छोड़ देंगे। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन अमजद ने अपने वादा नहीं निभाते हुए काम करना जारी रखा। ऊपर वाले ने मोटापे के रूप में उन्हें सजा दे दी। इसके अलावा वे चाय के भी शौकीन थे। एक घंटे में 10 कप तक वे पी जाते थे। इससे भी वे बीमारियों का शिकार बने। मोटापे के कारण उनके हाथ से कई फिल्में फिसलती गई। 27 जुलाई 1992 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दहाड़ता गब्बर हमेशा के लिए सो गया। अमजद ने हिंदी सिनेमा के खलनायक की इमेज के लिए इतनी लंबी लकीर खींच दी थी कि आज तक उससे बड़ी लकीर कोई नहीं बना पाया है। डिम्बल कपाड़िया राखी अभिनीत फिल्म रुदाली अमजद खान की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने एक मर्डर की हालात में पहुँचे एक ठाकुर की भूमिका निभाई थी, जिसकी जान निकलते निकलते नहीं निकलती। ठाकुर यह जानता है कि उसकी मौत पर उसके परिवार के लोग नहीं रोएंगे, इसलिए वह माता मनाने और रोने के लिए रुपये लेकर रोने वाली रुदाली को बुलाता है। अमजद खान ने अपने लंबे कैरियर में ज़्यादातर नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सितारों के सामने दर्शक उन्हें खलनायक के रूप में देखना पसंद करते थे और वे स्टार विलेन थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में चरित्र और हास्य भूमिकाएं अभिनीत की। थैंक यू।